कहानी बराबर है, लेकिन पब्लिक को किसको अच्छा लगता है किसको अच्छा नहीं लगता। हॉलीवुड के लेवल का मैं कहूँगा, हॉलीवुड स्टाइल नहीं है, हॉलीवुड स्टाइल पिक्चर सीन सिर्फ एक्शन हमें अच्छा लगा, नहीं पे और काम करते तो और अच्छी फिल्म बन जाती। कंगना रनौत की एक्टिंग बहुत अच्छी है, एक्टिंग एक्शन सीन सारे सब पे बहुत अच्छा काम किया। कहानी पे थोड़ा सा काम किया जा सकता था, एक्शन सीन्स बहुत अच्छे लगे, एक्शन सीन्स अच्छे आए हैं। कंगना रनौत, अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता की एक्टिंग बहुत अच्छी रही है। कहानी और डायरेक्शन पे थोड़ा सा और काम करते, मतलब जो एक्शन सीन है उनको छोटा करके, थोड़ा सा ज़्यादा बड़े बड़े एक्शन सीन है छोटा करके कहानी पे थोड़ा सा और फोकस कर लेते, तो कहानी में कुछ चीज़ें जो छूट रही हैं वो चीज़ें कंप्लीट हो पाती। हाँ, एक बार फिल्म ज़रूर देखने लायक है, खासकर कंगना के लिए और एक्शन के लिए, अर्जुन रामपाल के लिए, क्योंकि एक्टिंग अच्छी है फिल्म के अंदर सबकी। 2.5 ढाकन देखिए, अच्छी फिल्म है। उनका काम जो अभी इस टाइम में अलग से बताया, उन्होंने अलग किरदार किया, उन्होंने फिल्म बनाने को अच्छा लगा। पूरा एक्शन फिल्म है, वो एक्शन फिल्म में है और उसको पूरा एकदम कैसा बताया, मतलब एकदम अलग ही हिसाब बनाए, अच्छा लगा। कहानी बराबर है, लेकिन पब्लिक को किसको अच्छा लगता है किसको अच्छा नहीं लगता। 5 पे देना चाहिए। जी, धाकड़ बहुत शानदार मूवी है, एक्शन मूवी और एंटरटेनिंग है। कंगना ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। अर्जुन रामपाल का विलेन का रोल भी बहुत अच्छा है। दिव्या दत्ता थोड़ा सा मिसकास्ट लगी हैं, बट बाकी बहुत अच्छा है। सॉन्ग्स हैं भी, एक आध सॉन्ग्स है, तो उसका कोई मूवी में कोई इतना लेना देना है नहीं। कहानी भी अच्छी है, मर्दानी से इंस्पायर्ड है फर्स्ट हाफ, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे है, तो बहुत अच्छी है फिलहाल। सीन्स अभी अच्छे हैं, कंगना के जो एक्शन सीन्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। हाँ, बिल्कुल देखना चाहिए। 3.5। बढ़िया है बिल्कुल, मतलब जैसा टाइटल है वैसा ही है, मतलब एक्शन एकदम नेक्स्ट लेवल है, हॉलीवुड के लेवल का मैं कहूँगा है, मतलब डायरेक्शन भी बढ़िया थी, सिनेमाटोग्राफी भी बढ़िया थी। स्टोरी मैं फिर बताऊँगा तो लीक्स आ जाएंगे इसलिए आप देखिए, मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा अगर आप एक्शन लवर हैं, अगर आप हॉलीवुड की फिल्म्स पसंद करते हैं तो ये हॉलीवुड लेवल एक्शन है। एक्टिंग अच्छी है, बिल्कुल बढ़िया ही करते हैं वो, तो एक्टिंग का तो कोई डाउट नहीं है। जो बिहाइंड द क्रू होती है, मतलब जो स्टोरी लाइन होती है, जो सिनेमाटोग्राफी और डायरेक्शन, उसमें भी इस बार एक बॉलीवुड नेक्स्ट लेवल गया है। ये मूवी एवरेज मूवी है, और एक्शन का बहुत ज़्यादा ओवरडोज दिखाया गया है, और बॉलीवुड स्टाइल नहीं है, हॉलीवुड स्टाइल पिक्चर है, लेकिन मेन जो स्टोरी जो रहती है, स्टोरी डायरेक्शन बहुत पुअर है, चलेगी नहीं पिक्चर है। वही मैं बोल रहा हूँ, कहानी में कुछ दम नहीं है ऐसा कुछ खास, खाली एक्शन, पब्लिक बोर हो जाएंगे, फुल टाइम एक्शन है तो उसमें कुछ मतलब कि वो सीन अच्छे सीन नहीं है, सेंटीमेंटल हो जाए आदमी, ऐसा नहीं है, सीट पे बैठे ऐसा नहीं, यंगस्टर को शायद पसंद आएगी। एक्शन के वो सब एक्शन ही है, उनका डायलॉग बाजी बहुत कम है, वो खाली लास्ट सीन जो है कंगना रनौत का वो अच्छा है, गाने लास्ट गाना अच्छा है, मैं हूँ धाकड़, नहीं देखे तो भी चल जाएंगे ऐसा। 2 देखो, जो स्टोरी है वो थोड़ा ऊपर नीचे छोड़ा है, और एक्शन अच्छे थे, लोगों को बहुत पसंद आए, और पहली मूवी ऐसी थी जो एक्शन में मतलब ठीक ठाक था, बस इतना ही कहना चाहेंगे हम आपसे। डायरेक्शन के बारे में यही, डायरेक्शन और राइटर के हाथ में है, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है वो उनके हाथ में था। सीन सिर्फ एक्शन हमें अच्छा लगा, तो दिखाया गया वो, अभी तक कहीं इस तरीके से मूवी में गर्ल्स ने नहीं किया, बट वो दिखाया गया बस, ठीक है, वो भी ठीक है। अब मैं वो आए देखें समझे, मैं तो यही कहूँगा कि अच्छा काम करें, और थोड़ा सा स्क्रिप्ट पे ध्यान दें, डायरेक्टर साहब थोड़ा अच्छा ध्यान दें, इतना ही कहना चाहेंगे।
4।